वीडियो के इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे सीपीसी के आदेश 1 से लेकर 5 तक के बारे में और उनके जो विभिन्न इम्पॉर्टेंट नियम हैं उनके बारे में। आदेश 1 कहती क्या है? वाद के पक्षकार। आदेश 1 नियम 1 वादियों का संयोजन। वही वाद हेतु, वही पक्षकार, वही विषय वस्तु, वही अनुदोष। अब वादियों का संयोजन कब हो सकता है? वादियों का संयोजन कब हो सकता है देखते जाएंगे भाई बुक में भी क्या है। प्रत्येक वादी में भाई वादियों के संयोजन की जो क्लासिफिकेशन है या स्थिति क्या है, प्रत्येक वादी में अनुदोष पाने के अधिकार की उत्पत्ति, प्रत्येक वादी में अनुदोष पाने के अधिकार की उत्पत्ति एक ही कार्य और संव्यवहार से हुई हो, नंबर 1। नंबर 2, यदि वादी पृथक पृथक वाद लाते तो विधि और तथ्य के वही प्रश्न पैदा होते हैं। ये दोनों शर्तें कंपलसरी हैं, अल्टरनेटिव नहीं है, कंपलसरी दोनों हैं तो वादियों का संयोजन हो सकता है। फिर से बोलते हैं, वादियों संयोजन की प्रमुख 2 शर्तें क्या है? प्रत्येक वादी में अनुदोष पाने के अधिकार की उत्पत्ति उसी कार्य और संव्यवहार से हुई हो, और यदि वादी पृथक पृथक वाद लाते तो विधि और तथ्य के वही प्रश्न पैदा होते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक बुक सेलर ने अपना प्रिंट मीडिया खोला और निकाला क्या? कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की पुस्तकें। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की पुस्तकें, इससे लोगों के मन में भ्रम किया गया, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के टीचरों ने विशेष रूप से इसे लिखा है, और निकाल दी। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उस प्रकाशक पर विवाद लाना चाहती है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी उसी प्रकाशक पर विवाद लाना चाहती है। वादियों में अनुतोष पाने के अधिकार की उत्पत्ति एक ही कार्य और संव्यवहार से हुई। यदि वादी मतलब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों पृथक पृथक वाद लाते तो विधि और तथ्य के वही प्रश्न पैदा होते, यहाँ वादियों का संयोजन हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, वादियों का संयोजन आदेश 1 नियम 1। और यहीं पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पता लगा कानपुर यूनिवर्सिटी भी साथ आ गई, जबकि इनको कोई मतलब नहीं था, तो ये वादियों का कुसंयोजन हो जाएगा। क्योंकि अभी आदेश 1 नियम 9 में कुसंयोजन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आदेश 1 नियम 1 में क्या हो गया? वादियों का संयोजन। आदेश 1 नियम 2 में क्या है कि यदि वादी एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, लेट हो रही है, तो अलग अलग विवाद चलाया जा सकता है। आदेश 1 नियम 3 प्रतिवादियों का संयोजन। प्रतिवादियों का संयोजन क्या परिभाषा कहती है उसको भी एक बार देख लें। प्रतिवादियों के संयोजन में क्या है? ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, प्रतिवादियों का संयोजन कब होगा? ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार की उत्पत्ति एक ही कर संव्यवहार से हुई। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार की उत्पत्ति एक ही कार्य और संव्यवहार से हुई हो। यदि वादी पृथक पृथक वाद लाता तो विधि और तथ्य के वही प्रश्न पैदा होते। जो वादी में स्थित थी वो इस प्रकार प्रतिवादी में हो गई। एक उदाहरण ले लेते हैं। दैनिक जागरण एक अखबार निकलता है कानपुर से, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, कोई भी ले लें आप, निकाला कि ये आदमी बहुत ख़राब है और बहुत ही वाहियात बदतमीज है, उसकी तो मानहानि हो गई। अब उसने क्या किया? अखबार के संपादक, मालिक, प्रकाशक, मुद्रक सब पे वाद ले आया। ये प्रतिवादियों को एक साथ वाद ले आया। यहाँ प्रतिवादियों से योजना, जिस व्यक्ति की मानहानि हुई थी उसने क्या है? अखबार के मालिक, संपादक, प्रकाशक और मुद्रक, चाहो तो अलग अलग वाद ले आओ और चाहे प्रतिवादियों का संयोजन एक साथ ले आओ, ये प्रतिवादियों का संयोजन हो जाएगा। इस प्रकार आदेश 1 नियम 1 वादियों का संयोजन, आदेश 1 नियम 3 प्रतिवादियों का संयोजन हो गया। अब इंपॉर्टेंट है आदेश 1 नियम 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद। जब एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले कई व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सबकी ओर से न्यायालय की इजाजत से वाद ला सकता है या उस पर लाया जा सकता है, ये प्रतिनिधिवाद हो गया, रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसका भी एक उदाहरण ले लीजिए। एक मालिक ने
मकान मालिक था, उसने 10 किरायेदारों में मुकदमा कर दिया। अब 10 किरायेदार क्या करें, 10 किरायेदारों ने क्या किया, 10 किरायेदारों की तरफ से एक किरायेदार, सभी की ही सबके हित समान है, 10 किरायेदारों की तरफ से एक किरायेदार न्यायालय की सहमति से सबकी ओर से वाद का संचालन कर सकता है। मतलब 10 किरायेदार के आने की आवश्यकता नहीं है, 10 ने लिख के क्या दे दिया कि हमारी तरफ से वाद कौन देखेगा, ये देखेंगे, और न्यायालय से इजाजत ले ली। तो अब ए क्या करेगा, मालिक के खिलाफ वाद लड़ लेगा 10 लोगों की तरफ से। ये वादी की भी तरफ से हो सकता है और प्रतिवादी की तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है, वाद लाया जा सकता है या वाद लाता है या लाया जा सकता है। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद। आदेश 1 नियम 9, वादों का कुसंयोजन या असंयोजन, मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर। कुसंयोजन की स्थिति कब होती है, वादों के कुसंयोजन की स्थिति कब होती है, वादों की कुसंयोजन की स्थिति आदेश 1 नियम 1 आदेश 1 नियम 3 से भिन्न हो। भाई आदेश 1 नियम 1 में हमने क्या कहा था कि वादियों का संयोजन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, कानपुर यूनिवर्सिटी, ये कुसंयोजन हो गया। या फिर प्रतिवादियों का संयोजन आदेश 1 नियम 3, एक अखबार के मुद्रक, प्रकाशक, मालिक और सभ्य संपादक, सभ्य हमने मुकदमा लिया है, उसके मालिक खिलाफ तो लिया है, और जितने कानपुर में अखबार छपते थे सबको हमने बना दिया, ये क्या हो गया, कुसंयोजन। वाद का कुसंयोजन कब होता है, जब स्थितियाँ आदेश 1 नियम 1 आदेश 1 नियम 3 से भिन्न होती हैं, जो नहीं होती है उनको भी तुमने जोड़ दिया है तब होती है, लेकिन इसके कारण वाद खारिज नहीं होता है, वाद के कुसंयोजन के कारण वाद खारिज नहीं होता है। अब आते हैं आदेश 1 नियम 9 के वाद के असंयोजन पर। असंयोजन की स्थिति क्या होती है, असंयोजन की स्थिति तब होती है जब आवश्यक पक्षकार और उपयुक्त पक्षकार, आवश्यक पक्षकार और उपयुक्त पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, इसके कारण भी वाद क्या नहीं होता है, खारिज नहीं होता। लेकिन यदि आवश्यक पक्षकार है और आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न्यायालय निर्णय दे दिया है तो न्यायालय का निर्णय शून्य घोषित हो जाएगा। अब आवश्यक पक्षकार कौन होता है, जरा समझ लीजिए, पहले हम पढ़ेंगे बताएंगे बाद का असंयोजन। असंयोजन की स्थिति कब होती है, जब आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया जाता है। उदाहरण, चार भाई थे, चारों भाई जमीन का बंटवारा करना चाहते थे, एक भाई ने बंटवारे का वाद डाला, एक भाई ने वाद के बंटवारे जमीन के बंटवारे का वाद डाला, तो आवश्यक पक्षकार कौन है, तीनों भाई है, तीनों को पक्षकार बनाओ, भले वो आए या ना आए, कुछ ना करें, तीनों को नाम आप वाद डालोगे, मैं हम चार भाई हैं, ये हैं हमारी जमीन है और ये तीन पक्षकार हैं, हमारी जमीन बांट दी जाए, और हमने एक को पक्षकार नहीं बनाया चार में से और न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो वो निर्णय शून्य होगा। ये आवश्यक पक्षकार की महत्वपूर्ण कंडीशन है। अब आवश्यक पक्षकार तो ये हो गया, उपयुक्त पक्षकार कौन होता है, उपयुक्त पक्षकार वो पक्षकार होता है जिसका पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है और उसको नहीं बनाओगे तो वाद खारिज नहीं हो, वाद नहीं बनाया नहीं बनाया जाता तो वाद भी खारिज नहीं होगा, लेकिन उसको इसलिए पक्षकार बना लिया जाता है जिससे कि वाद को निपटाने में सहायता मिलती है। इसका उदाहरण ले लीजिए, ए ने बी को मकान किराए पर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बी ने क्या किया, सी को किराए दे दिया। अब जब ए मुकदमा लाएगा तो सी पे तो लाएगा नहीं, तो ए पे लाएगा ना, तो ए ने क्या किया, मुकदमा ए जो है वो बी पे लाएगा, सी पे तो लाएगा नहीं, ए बी को उसने पक्षकार बनाया और सी को उपयुक्त पक्षकार बनाया, मतलब हमने बी को मकान दिया था और बी ने सी को कर दिया। सी को पक्षकार हम बनाते चाहे ना बनाते, लेकिन सी को हमने पक्षकार इसलिए बना दिया क्योंकि उस समय रह रहा है, सी को बुलाया गया, साहब हम रहते हैं लेकिन हमको तो इन्होंने रखा है, तो मामला जल्दी निपट जाएगा। यदि यहाँ पर हम सी को पक्षकार ना बनाते और निर्णय दे दिया जाता तो निर्णय मान्य होता। ये हो गया आवश्यक असंयोजन, मतलब आदेश 1 नियम 9, वाद का कुसंयोजन और वाद का असंयोजन। जो क्वेश्चन बहुत आता है, यदि वाद के असंयोजन की स्थिति में यदि कोई आवश्यक पक्षकार है और उसे पक्षकार नहीं बनाया गया तो पूरा मामला शून्य हो जाएगा यदि न्यायालय ने निर्णय दिया है तो। आदेश 1 नियम 10 है कि 13 है, लेते हैं।
संयोजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 गलतवादी का नाम जोड़ दिया गया है, आदेश 1 नियम 10 गलतवादियों का नाम जोड़ दिया गया तो उसका नाम सुधारा जा सकता है। ये तो हो गया आदेश 1 नियम 1 वाद के पक्षकार। अब आदेश 1 नियम 2 वाद की विरचना। भाई वाद की विरचना करनी है तो संपूर्ण विवाद एक साथ ले लिया जाए, जो भी हमको मांगना है, जैसे हम बात लाना चाहते हैं किसी पे, तो जो जो हमको मांगना है वो हम सारी बात एक प्लेंट में ले आए। जब हम अभिवचन दाखिल करें तो सारी बात ले आए ना, वरना हर बात पे 6-17 मतलब आदेश 6 नियम 17 अभिवचन में संशोधन करते रहोगे तुम तो 6-17 ना करना पड़े। जितनी बार 6-17 करोगे उतना वाद लेट होता जाएगा। तो एक साथ है ये, इसलिए है कि जिससे कि मुकदमा जल्दी निपटे। वाद का संयोजन, वाद के पक्षकार, वाद की विरचना हो गई, आदेश 1 आदेश 2 नियम 1। आदेश 2 नियम 2 में क्या है? आदेश 2 नियम 1 वाद की विरचना, आदेश 2 नियम 2 में क्या है? जब दावा करोगे ना तो पूरा दावा एक साथ लाओ, और जब संपूर्ण दावा कर दो और संपूर्ण दावा तुमने नहीं किया तो मान ली जाएगा तुमने छोड़ दिया है। और जितना भी अनुदोष मांगना है तो एक ही बार में अनुदोष मांग लो आप। आदेश 2 नियम 2 का उपनियम 3 है। उदाहरण, हमने क्या मांगा? हम वादी हैं, प्रतिवादी से क्या मांगा? इन्होंने सर 2019-20 का किराया नहीं दिया, हम जीत गए, हमको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब फिर हमने दूसरा मुकदमा किया बी पर, साहब इन्होंने 2010 का भी नहीं दिया था, तो न्यायालय हमको भगा देगा। ये बात तो तुम पहले भी कर सकते थे, ये बात आप जब 2019-20 का मांग रहे थे तो वहाँ ये बात भी ले सकते थे ना कि 2010 का भी नहीं है तो क्यों नहीं मांगा आपने? नहीं मांगा कुछ नहीं मिलेगा। इसको 11(4) पे भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बचता है आदेश 2 में। अब आदेश 2 में क्या है कि वाद हेतुकों को संयोजन, फिर पता लगा आदेश 1-2 नियम 4 में क्या है, वादियों प्रतिवादियों और उनके हेतुकों को संयोजन, आदेश 5 निष्पादक प्रकाशक और वारिस द्वारा उनके विरुद्ध दावे। ये प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट एक एक लाइन के हैं। तो आदेश 2 नियम 1, आदेश 2 नियम 2, आदेश 2 नियम 3, 4 और 5 देख लीजिए, और कुछ नहीं देखना है आपको। अब आदेश 3, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता प्लीडर, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर उनकी उपसंजातियां हैं। यदि अभिकर्ता के माध्यम से पेश हो रहे हैं, पक्षकार अभिकर्ता के माध्यम से पेश हो सकता है, मतलब प्लीडर की उपस्थिति तो पक्षकार की उपस्थिति मान ली जाएगी। भाई आप न्यायालय में जाओगे, सिविल बात है, प्लीडर के माध्यम से जाओगे, लेकिन एक ही आदमी अटॉर्नी और प्लीडर का काम, एक ही आदमी अटॉर्नी और एडवोकेट का काम नहीं कर सकता है। अब मान्यता प्राप्त अभिकर्ता हो गए, मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं को आप संसूचना प्राप्त करा सकते हैं कि मतलब मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं को यदि आदेशिका की तामील हो गई तो मान लिया जाएगा पक्षकार को तामील हो गई। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता आदेश 3 नियम 2, आदेश 3 नियम 3 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता प्लीडर को आदेशिका की तामील, जब पक्षकार नहीं होता तो प्लीडर करा दिया। अब 4 में क्या है, प्लीडर की नियुक्ति और प्लीडर को समन, ये 4 में प्लीडर वाले मामले हो गए। अब आदेश 4 वाद का संस्तुत किया जाना। भाई आदेश 1 वाद की पक्षकार, आदेश 2 वाद की विरचना, आदेश 3 प्लीडर की उपसंजाति और उपसंजाति, आदेश 4 वाद की वाद का क्या है, संस्तुत किया जाना। वाद का 2 प्रतियों में जहाँ पे उचित रूप से न्यायालय में संसद कर दीजिए, न्यायालय के बाहर जैसा आप अपने गोल्फ रूम में ले लें, कभी भी ले लें, जिस दिन न्यायालय में पेश करेंगे उसी दिन माना जाएगा कि उस दिन आपने वाद को संसद कर दिया है। जब वाद संसद हो गया, आदेश 4 का वाद का समेकन वगैरह है। अभी तक एक ही पक्षकार चल रहा था, भाई जो वादी लाना चाहता है, वाद के पक्षकार हो गई, वाद की रचना हो गई, वही वकील कर रहा है, वही पेश कर रहा है। अब मुकदमा लड़ना है तो मुकदमे में कम से कम 2 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हमने किसके खिलाफ मुकदमा किया था? यहाँ शुरू होता है आदेश 5, समन करो भाई इसको, प्रतिवादी को समन करो। जिस दिन समन हुआ 30 दिन के अंदर जवाब लगाए, बहुत ज़्यादा है तो 90 दिन के अंदर जवाब लगा दें, और समन के साथ इसकी कापी भेज देना एक। भाई समन के साथ जो हमने अभिवचन किया उसकी कापी तो भेजो, तो जिससे जवाब तो कैसे लगाएगा वो? तो आदेश 5 नियम 1 में क्या है कि प्रतिवादी को समन जब भेजा जाएगा तो 30 दिन के अंदर जवाब देगा, और बहुत ज़्यादा पीरियड देते हुए 90 दिन के अंदर जवाब देना है। और जब समन भेजा जाएगा उसके बाद कापी भेज दी जाएगी, और न्यायालय आदेश 5 नियम 3 में आदेश भी जारी कर सकता है वादियों को भी, प्रतिवादियों के उपस्थित होने का। लेकिन आदेश 5 नियम 4 में है, अब पता लगा कि
50 मील है, 100 मील, 25 मील की पैदल दूरी है, या 100 मील मतलब 100 किलोमीटर पैदल दूरी, 500 किलोमीटर प्लेन कह रहे हैं रेलवे की दूरी है, इतनी दूर है तो समन जारी नहीं करेगा। मतलब एक लिमिट दे दी गई है, इतनी दूरी पे वो समन जारी नहीं करेगा। फिर इम्पोर्टेंट इसमें क्या हादिस 5 में, न्यायालय द्वारा वादी को समन। न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, आदेश 5 नियम 9 ये स्पष्ट रूप से देख के बता देते हैं आपको क्या कहा गया है। न्यायालय द्वारा समन का परिदान, आदेश 5 नियम 9, न्यायालय द्वारा वादी को समन हो गया, परिदान हो गया, समन का परिदान। और आदेश 5 नियम 9 का न्यायालय क्या करता है, वादी देता है कि तुम जाके भेज जाओ, जाके दस्ती कर देता है। मतलब न्यायालय कहता है हम भेजेंगे, टाइम लगेगा, वादी से कहता है कि तुमको हम साइन करके दे रहे हैं अपना, तुम अपना जाके रजिस्ट्री कर दो जाके, भगवान चाहेगा इसकी आवश्यकता कुछ दिन में नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे व्हाट्सएप से जाएगा। ये हो गया, न हो गया। फिर क्या इम्पोर्टेंट है, आदेश 5 नियम 9 के बाद अब जब पेश करोगे, जब देव समन दोगे तो घर के वयस्क आदमी को दोगे यार, नौकर को दोगे नहीं। आदेश 5 नियम 15, आदेश की तामील घर के वयस्क सदस्य को करोगे, कुटुंब के वयस्क सदस्य को करोगे, अर्थात कुटुंब के अंतर्गत नौकर नहीं आता है। फिर इम्पोर्टेंट कौन सा है, फिर इम्पोर्टेंट है आदेश 5 नियम 20, प्रतिस्थापित तामील तो मिल ही नहीं रहे हो तो क्या करें भाई, चस्पा करेंगे, टुग्गी पिटवा देंगे, अखबार निकलवा देंगे, प्रतिस्थापित तामील, आदेश 5 नियम 20। अब आदेश 5 नियम 24 एक इम्पोर्टेंट है, क्या है उसमें, अब प्रतिवादी जेल में है तो फिर कारागार के बाहर साधक को दे दिया जाएगा, समन की तामील कहाँ करेंगे, कारागार के बाहर साधक को कर दी जाएगी। फिर आदेश 5 नियम 24 के 25 भी कर लेते हैं, अब समन की तामील पाकिस्तान में करनी है तो कहाँ करेंगे, पाकिस्तान के जिस क्षेत्र के न्यायालय में रह रहा उस क्षेत्र के न्यायालय को। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, हाई कोर्ट को छोड़ के हाई कोर्ट में नहीं करोगे आप, यही प्रश्न आता है, पाकिस्तान में करना है तो जिस क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र के न्यायालय को करोगे, हाई कोर्ट को छोड़कर। आदेश 5 नियम 28 में क्या है, सैनिकों के बारे में। और आदेश 5 नियम 30 एक पूछा जाता है, वो बहुत बड़े आदमी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति टाइप है, तो क्या है, समन के स्थान पर पत्र, भाई बड़े आदमी हैं उनको समन न भेजा जाए, उनको समन के स्थान पर क्या भेज दिया जाए, पत्र भेज दिया जाए, तो उनको पत्र भेज दिया जाता है। ये हुआ आपका आदेश 5। आदेश 5 में इम्पोर्टेंट हमने क्या बताया, 1 से लेकर 4 तक तो पहले पढ़ लो, फिर 9, 9 का, फिर 15, फिर 20, 24, 25, 28 और 30 नियम है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हुआ आपका आदेश 1 से लेकर 5 तक, आगे के भाग को आगे बनाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं। जितनी चीज़ मैंने बता दी है वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप एक दो बार सुन लेंगे तो आप काफ़ी दिनों तक याद रख सकते हैं।